मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करण की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली आप भी, उमर आप भी, या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए, फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम कर्नी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी, मेरे भाई का बेटा है लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है, किधर है? कहा जी ऊंट चराने गया है।